अब बच्चों हम लोग रिफ्रैक्शन में लगभग आखिरी चीज पे आ रहे हैं। इसके बाद तो फिर लेंस में ही जाना पड़ेगा। और आखिरी चीज ये है कि हम लोग रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें वही वाली बातें होंगी कि भाई हम लोग कोई कॉइन देखते हैं तो कॉइन वो जमीन से उठा होता है, स्विमिंग पूल का जो फ्लोर होता है वो नीचे से उभरा हुआ दिखता है अगर आप ऊपर से व्यू करते हैं। उसमें एक कभी भी पानी के पानी से भरे बर्तन में अगर एक रॉड डली होती है तो रॉड जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। आपने घर में भी देखा होगा अगर बर्तन मांजने वाले एरिया में आप गए होंगे, मतलब आई होप आप बर्तन भी मांजते होंगे मेरी तरह, और वहाँ पर चमचा पड़ा रहता है तो चमचा थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है अगर पानी में डूबा हुआ है। इस तरह से आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा और वही चीज़ हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे कि वो वैसा क्यों दिखता है। और इसमें अगर कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि वाई आ रॉड सीम्स टू बी बेंट एंड शॉर्टेंड व्हेन इट इज व्यूड ऑब्लिकली एंड द रॉड इज इमर्ज्ड इन वाटर, ऐसी सिचुएशन में वो टेढ़ा क्यों दिखता है और छोटा क्यों दिखता है, तो वन वर्ड आंसर उसका है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वन वर्ड क्या है? रिफ्रैक्शन। खैर यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम शो दैट द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज अ कॉइन इन वाटर इज लेस देन द रियल डेप्थ। तो अब हम लोग एक ये बना लेते हैं बर्तन, थोड़ा सा नीचे बनाना होगा क्योंकि ऊपर आंखें होंगी। तो इस तरह से आपका एक बीकर टाइप का है या मान लीजिए भगोना टाइप का है, आई डोंट नो आप क्या क्या कहते हैं, जार टाइप का है जिसमें एक कॉइन रखा हुआ है एट द बॉटम। कॉइन इतना छोटा हम लोग मानते हैं, वो पॉइंट टाइप का है बट फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज अवर कॉइन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक लाइट रे जो होगी वो सीधी चली जाएगी, बिल्कुल सीधी ऊपर चली जाएगी और नॉर्मली बाहर निकल जाएगी। कैसे? ऐसे। तो जो नॉर्मली जाएगी वो अनडिविएटेड चली जाएगी, है ना? यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं होगी। बट उसके बाद क्या होगा, एक लाइट रे होगी वो थोड़ी सी बेंटेड दिखाई देगी। यहां पे इतना बाहर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेंट किस लिए हो रही है बच्चों बताइए? ये जो दूसरी वाली लाइट रे है ये क्यों बेंड हो रही है? हाँ, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर जा रही तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, बस यही बात है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने नयन जो है यानी आंखें इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे, ताकि ये दोनों रे घुस सके हमारी आंखों में। ठीक है, तो अब जब इसे हम लोग देखते हैं तो हमें ये वाली लाइट रे थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाई देती है। थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या मतलब, ये इसी को हम लोग पीछे प्रोजेक्ट कर लें, है ना? तो पीछे प्रोजेक्ट करने में जो अपना सिक्का है यहां की बजाय यहां दिखाई देता है। वैसे इतना उठा हुआ नहीं दिखाई देता है बट मैंने इफेक्ट को मैग्निफाई करने के लिए थोड़ा ज्यादा उठा हुआ बनाया, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है यहां पे आपका सिक्का जो है वो फिर यहां पे दिखाई देने लगेगा। दिस इज द पोजिशन ऑफ द कॉइन, अर्लियर द पोजिशन ऑफ द कॉइन वॉज दिस। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइन को सी मान लीजिए, इमेज को सी डैश मान लीजिए, इस पॉइंट को
आप मान लीजिए P, इस पॉइंट को मान लीजिए Q, यहाँ पे आप नॉर्मल भी दिखा दीजिए, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए वाटर और इसको लिख दीजिए एयर, बस यहाँ पे लिख दीजिए ऑब्जर्वर, हो गया वेरिएबल, ठीक है ऑब्जर्वर, और भी एक ही जैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आप बस इसमें कोई आपको प्रूविंग नहीं करनी है बच्चों, यहां पे आपको लिखना है पीसी डैश इज लेस देन पीसी, देयर फोर रियल अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ, बस इतना लिखना है आपको सारे नंबर जो है डायग्राम के। और वैसे भी मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन है, अब ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के मैं देख ही दे लेता हूँ, अब मैं गेस कर सकता हूँ 4 मार्क्स का होगा, यस दोनों मिला के 4 मार्क्स के हैं, तो इतना काम कर लिया, ऊपर वाले 2 नंबर तय हो गए आपके। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू द रियल एंड अपरेंट डेप्थ, तो बस फर्स्ट पार्ट में इतना काम हो गया, और सेकेंड पार्ट में कितना काम होगा, बस फॉर्मूला आपको लिख देना है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अच्छा ये बताओ ये म्यू आएगा किसका, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बोलिए बच्चों, वाटर का, यहां पे ये वाटर बोल सकते हैं लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड फील्ड, या सॉलिड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सिक्का रख दें नीचे और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दें, फिर ऊपर से देखें तब भी सेम इफेक्ट होगा, है ना। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में जो डिफरेंस होगा वो ग्लास स्लैब में ज्यादा होगा या वाटर में होगा, अभी बताइए, तब तक मैं ये काम करता हूं। क्वेश्चन बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि मैंने यहां वाटर की जगह ग्लास ले लिया होता, तो ये जो डिफरेंस है पीसी माइनस पीसी डैश, अरे यार पीसी बड़ा है और पीसी डैश छोटा है, तो ये डिफरेंस वाटर में ज्यादा होता या ग्लास में ज्यादा होता, सर ग्लास में ज्यादा होता, सर ग्लास में ज्यादा होता, मतलब स्पीड ऑफ। हाँ वेरी गुड, ग्लास में ज्यादा होता। देखिए ये याद रखिए जो डेंसर मीडियम है उसमें ज्यादा बड़े लेवल पे रिफ्रैक्शन होएगा, तो यहाँ पे अपनी जो लाइट रे जाएगी ये इधर बेंड हो रही, वो और ज्यादा बेंड होगी, और ज्यादा बेंड होगी, तो सी डैश जो है वो थोड़ा सा क्या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, बस यही बात आपको समझनी थी। तो ये हो गया म्यू का रिलेशन रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब कई बार आपको एक और टर्म लिखा मिलेगा यहाँ पे, एक और टर्म क्या होगा, चलिए यहां कर देता हूं, यहां जगह है, अब जितना इस क्वेश्चन में लिखना था तो उतना हम लोगों ने लिख लिया, और लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कुछ भी नाम दे सकते हैं, पीसी पीसी डैश लेना जरूरी नहीं है, पीसी माइनस पीसी डैश जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, बताइए इसको, इस शिफ्ट को आपकी बुक में क्या लिखा है बताइए, सर नॉर्मल शिफ्ट है, पी डॉट नॉर्मल शिफ्ट है ना, नॉर्मल शिफ्ट को किससे डिनोट किया, डी से किया है या एल से किया है या एन से किया है, नहीं तो मैं देख के करूं, किस सिंबल से किया है बस ये बता दीजिए आप, ताकि मतलब आईसीएससी को फॉलो करूं मैं, सर मैं पूछ रहा था कि सर आपने आपने बोला कि दोनों रेज आई के अंदर जा रही हैं, हाँ हाँ तो हम लोग के बुक में दिया हुआ है कि सेलिना वाले बुक में दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ही सिर्फ आई के अंदर जा रही हाँ है। उन्होंने ये आपकी आई जो है वो इधर बना दी है ना इस पे एडी वाली रे हाँ पे, सर हाँ देखिए उन लोग ने जो बनाया है वो क्लास 10th लेवल तक
एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रियल सिचुएशन बता देता हूँ। असली में कॉइन से एक रे नहीं निकलती हैं, दो रे नहीं निकलती हैं, इनफाइनाइट रे निकलती हैं। और इमेज बनाने के लिए, किसी भी एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए बच्चों एटलीस्ट दो रे की जरूरत होती है। और वो दोनों रे जब एक साथ आपकी आंखों में जाएंगे तभी इमेज बनेंगे। आई एम वेरी श्योर आप लोग ने जब जीवन में पहली बार रिफ्लेक्शन किया होगा, एक पॉइंट को मिरर से रिफ्लेक्ट कराया होगा, फिर उसके बाद पेंसिल को मिरर से रिफ्लेक्ट कराया होगा, वैसे में आपने हर एक पॉइंट से दो दो रे फेंकी होंगी। याद है? तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कभी भी कोई इमेज, पॉइंट की इमेज फॉर्म करने के लिए दो रे आवश्यक होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। तो वो दोनों जब अपनी आंखों में जाएंगी तभी आपको कॉइन दिखेगा। असली में क्या हो रहा होगा, चलो मैं कोशिश करता हूं उसको बनाने की, सिक्के को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। असली में क्या होगा बच्चों कि इससे भी दो रे निकल रही हैं, इससे भी दो रे निकल रही हैं, हर पॉइंट से दो दो रे निकल रही हैं और सबको अपनी आंख कलेक्ट कर रही है। और जब सबको अपनी आंख कलेक्ट करेगी, यानी इनफाइनाइट रेज को कलेक्ट करेगी अपनी आए, फिर वो रेटिना में जाएगा, तब वो पूरा सिक्का बन के दिखाई देगा। तभी तो क्या होता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो कॉइन पूरा नहीं दिखता, आधा दिखता है या 3/4 दिखता है या 1/4 दिखता है, बिकॉज ऑल द रेज आर नॉट एबल टू कम टू आवर आई। तो मैं बोलूंगा अगर हम लोग ऐसा बना रहे हैं तो ये और ज्यादा ऑप्टिकली करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग वापस अपनी बात पे आते हैं कि यार चलो पीसी माइनस पीसी डैश को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर वहां पे कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, वहां पे शिफ्ट ही लिखा हुआ है। तो यानी कि ये, अच्छा बताओ, ये जो है ये रियल पोजीशन है और ये अपरेंट पोजीशन है, इसको, इस गैप को ये लोग शिफ्ट कह रहे हैं। ठीक है? हाँ, शिफ्ट कह रहे हैं और कुछ लोग नॉर्मल शिफ्ट कह रहे हैं। तो मैं क्या इसको नाम दे दे रहा हूं, नॉर्मल शिफ्ट, NS, या शिफ्ट नॉर्मल ऐसा कर सकते हो, SN जो करना चाहते हो। तो मैं तो NS करना चाहता हूं। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पीसी माइनस पीसी, अब यहां पे पीसी क्या है, रियल डेप्थ है या अपेरेंट डेप्थ है, बताइए, बोलिए, है ना। पीसी जो है वो रियल डेप्थ है, तो रियल माइनस अपेरेंट इज इक्वल टू शिफ्ट, है ना। अब हमारा ये काम है कि हम लोग रियल डेप्थ को बचाए रखें और एपरेंट डेप्थ को हटा दें। ठीक है, एपरेंट इज इक्वल टू रियल माइनस शिफ्ट लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू, अब एपरेंट डेप्थ को मैं लिख रहा हूं ए, रियल डेप्थ को मैं लिख रहा हूं आर, शिफ्ट को, नॉर्मल शिफ्ट को मैं लिख रहा हूं NS। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो हमें। तो रियल डेप्थ को हमने लिखा आर, एपरेंट डेप्थ को हमने लिखा ए, म्यू, ये भी डेरिवेशन आपके काम का नहीं है बट ये आप समझ सकते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, और ए की जगह आप लिख लीजिए आर माइनस NS। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ले लीजिए, म्यू 1/म्यू कर लीजिए, आर माइनस NS डिवाइडेड बाय आर। आई होप सभी लोगों को विजिबल है वहां तक। हाँ, दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इधर आप ये कर सकते हैं 1/म्यू 1 माइनस NS डिवाइडेड बाय आर, और इधर से इधर चले गए तो NS डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/म्यू NS इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट का ये फॉर्मूला हो जाएगा रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/म्यू। तो
तो कई बार आपको ऐसे दिया रहता है कि इफ द नॉर्मल शिफ्ट वॉज 5 सेंटीमीटर, वॉट वॉज द डेप्थ ऑफ द ग्लास स्लैब, या वॉट वॉज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तब आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। हाँ, तो जो बुक ने आपकी फॉर्मूला फाइनली लिख के बताया है वो ये है, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ यानी कि आर 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो अच्छा फॉर्मूला है, याद कर सकते हैं। आप लोग फॉर्मूला शीट जरूर बनाते रहिए अपनी। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब पहले हम लोग ये जान लें कि जब दो मीडियम होते थे तब हम लोग क्या करते थे, उससे ज्यादा समझ में आएगा, है ना भाई। हम लोग क्या जानते हैं, ज्यादातर सबसे बेसिक डायग्राम हमारा यही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 हमारा एयर टाइप का होता है, ये ग्लास टाइप का होता है, और हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1.5। भाई हमारा ऐसा आंसर आ जाता है ना। तो यानी कि हम ये जानते हैं कि अगर नीचे वाला मीडियम डेंसर है और ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, यानी कि शुरुआत वाला मीडियम रेयरर है और बाद वाला मीडियम डेंसर है, तो ये एंगल ज्यादा होता है और ये एंगल कम होता है, ये याद है। इस चीज को हम लोगों ने बचने के लिए क्या किया था, हमने सीखा था इसको बोलो μ1 और इसको बोलो μ2 और विद रेस्पेक्ट टू के चक्कर में ना पड़ा जाए। तो करते क्या थे, μ1 ये I था, ये R था, हम लोग ने सीखा था μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, और यहां से अपने आप जो μ2 आ जाता था उसको हम लोग बोल देते थे यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। याद है ना, μ1 को हम लोग 1 रख देते थे, I और R की वैल्यू निकाल रख देते थे और μ2 की वैल्यू आ जाती थी। सपोज करिए, मान लीजिए यहां पे I होता आपका 60 डिग्री और R होता, अब ज्यादा वैल्यू उसकी चॉइसेस नहीं है, 45 डिग्री, तो और μ1 की वैल्यू हम लोग क्योंकि वो एयर है तो 1 रख देते थे, I की वैल्यू रख देते थे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और μ2 आ जाता था और साइन आर जो है वो है साइन 45 डिग्री। ये काम हम लोग कर चुके हैं, हमें आता है। अब इसको इधर ले आइए, सारी वैल्यू रख दीजिए, μ2 आ जाएगी, दैट μ2 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब इस पिक्चर के अंदर एक और पतली सी स्लाइस हम लोगों ने डाल दी, यहां पे 1 और 2 के बीच में काम था, यहां 1 और 3 के बीच में काम था। अगर मैं यहां पे 2 की जगह 3 कर देता हूं, समझ गए, अगर मैं वहां 2 की जगह 3 कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भाई, 3 अपना ग्लास हो जाएगा, और यहां पे μ3 कर देता हूं, μ3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो अब ये समझ लो, ये 1 और 3 के बीच में एक स्लाइस डाल दी गई है, वो स्लाइस हमारे लिए यूजलेस है अगर हमने 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालना। अब इमेजिन करिए अपने मन में कि हम लोग इन दो जो इंटरफेसेस हैं उनको पतला भी करते जाएं तो भी सिचुएशन यही रहेगी भाई, थोड़ा मान लो पतला कर दिया तो तब भी यहाँ 60 बनेगा, यहाँ 45 बनेगा, और तब भी बेटा यहाँ पे 30 डिग्री ही बनेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा ना। तो अब हम अगर पतला करते चले जाए, करते करते क्या हो जाएगा, ये रे खत्म हो जाएगी और ये दो नॉर्मल्स को इंसाइड हो जाएंगी, ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले इमेजिन करो और फिर बताओ। नहीं समझ में आया तो बोलो, तो मैं 3 डायग्राम वैसे बनाऊं।
एनिमेशन नहीं है ना यहाँ पे। बोलो, मैं बोल रहा हूं ऐसा, अगर हम मीडियम टू को मन में मानते रहे कि वो पतला होता जा रहा है, तो पॉइंट पी और क्यू एक टाइम पे कोइंसाइड हो जाएंगे, और फिर हम मतलब चलो पतला कर ही देते हैं, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो इसलिए, फिर हाँ सर, इसमें हाँ होगा होगा। है ना, समझ रहे हैं। फिर देखिए ये हाँ सर, फिर पी और क्यू यहां पे आ गए, और ये रे छोटी हो गई, लाल वाली जो पी क्यू वाला रास्ता है वो छोटा हो गया, ठीक है। एक टाइम और ऐसा आएगा कि पी और क्यू आपस में ही चिपक जाएंगे, तो फिर हम लोग वापस वैसी फोटो में चले जाएंगे, ये वन हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। इतना टाइम देके इसलिए सिखा रहा हूं ताकि बच्चों कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आपका थॉट प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो। बच्चों जब भी नीट का या आईटीजेई का एग्जाम होगा तो आपको वहीं बैठकर सोचना पड़ेगा, वहां कोई टीचर नहीं आएगा आपको समझाने की ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, इसको अपने आप पतला होता हुआ सीखो। लेकिन जब आप बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे तो आपका खुद का वैसा टेम्परामेंट जनरेट हो जाएगा, और आप वो चीज वहीं बैठे बैठे करना सीख जाएंगे और कर लेंगे। ऐसे ही बच्चे तो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू जो है वो खत्म हो गए, मतलब पी और क्यू ओवरलैप कर गए, तो हमारी जो सिचुएशन थी वो ऐसी हो गई कि हम लोग 60 डिग्री पे शुरू किए और 30 डिग्री पे खत्म किए, बात खत्म। अब वही लगाओ, वन है ना, मीडियम वन है, वन और टू का मतलब ये नहीं है कि वन और थ्री का मतलब ये नहीं है कि वन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए। तो वन की जगह हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा म्यू वन, और यहां पे लिखना पड़ेगा म्यू थ्री। तो म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री। सबसे पहली बात तो ये बुक्स में सिखाया नहीं जाता है, मतलब टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये कोचिंग्स में सिखाया जाता है और काफी यूजफुल होता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बोलिए भाई, अब अगर हमें ये निकालना है, अब मेरा सवाल ये है, ये ऐसा लिखा है तब सही है या ऐसा लिखा है तब सही है, कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है? सर पहला वाला। हाँ, पहला वाला सही है, यही हम लोगों ने सीखा। ऑप्शन भी ध्यान में रखना, ऑप्शन क्या क्या है मैं बता देता हूं, √3/2, 1/2, √3 और 2, ठीक है। ये है ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों को एक तरीके से ये कैलकुलेट करना है, ये तो गलत हो गया, आप ही लोग बोल रहे हैं। तो म्यू वन इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, म्यू टू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे काम किया जाता है, अब देखो यार केवल √3 ही है, बहुत अच्छा सवाल होता अगर एक ऑप्शन √3 होता और एक ऑप्शन 1/√3 होता, तो फिर तो हमें इसको और आगे करना पड़ता, लेकिन सिर्फ √3 ऑप्शन यहाँ पे है, उसका 1/√3 वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें ये सही हो गया। लेकिन चलो आंसर तक पहुंच जाते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोगों ने कर लिया, अच्छा यहाँ पे टू लिख दिया क्या मैंने, 1 3 है, 1 2 है, गलत हो गया, 3 लिखते चलो, ठीक है। तो म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू वन इज इक्वल टू √3, समझे। यस और सर, ये सीखा था हमने, ये जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम थ्री विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, और वो अपना निकल के आ रहा है ऐसा। तो अब देखो यार, मैंने बहुत देर लगाई ये सवाल करने में, इसलिए ताकि आप मेरी तरह सोचना सीखें, लेकिन अगर एग्जाम में करना होगा तो करेंगे कितना, कितना लिखना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। देखो ये तुम्हारे सामने फोटो है, तुमने इसको चिपकाया अपने मन में, पी और क्यू को खत्म कर दिया, यानी पी और क्यू को सेम पॉइंट्स मान लिए, 60 डिग्री से शुरू हुआ, 30 डिग्री पे खत्म हुआ,
और इतना ही लिखेंगे, इतना भी नहीं लिखेंगे। मैंने तो क्या कहा था, टू टू काटो और बस ऑप्शन की तरफ देखने लगो, मिल गया ऑप्शन, बात खत्म। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ये दो लाइन लिखनी होगी, और ये दो लाइन भी कोई नहीं लिखेगा अगर यार उसे रटा होगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। आपको तो सिर्फ ये ही एक लाइन लिखनी थी और ऑप्शन पे क्लिक करना था। आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आई बात समझ में? था ना अच्छा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन? बोलिए हाँ बच्चों, सर, बस ऐसे किया जाता है एग्जाम में, इस तरह आईआईटी निकलता है। जी सर, मैं 10 मिनट लगा दिए लेकिन।